एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे नटेला। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। 10 से 15 मिनट में ये हमारा होममेड नटेला रेडी हो जाता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं हम होममेड नटेला। इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 100 ग्राम हेज़लनट्स। हेज़लनट्स आराम से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। इसे हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट एकदम लो फ्लेम पर। इसे हमें बहुत ही हल्का 3 से 4 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, बस हल्का लाइट ब्राउन कलर आ जाए और बस हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने ली है 150 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। ये मॉडे कंपनी की है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैं इसे कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में और मैंने इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसे 20 सेकेंड्स के लिए और माइक्रोवेव कर लूँगी। तो इसी तरह हम अपनी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, हम इसे साइड में रखेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 6 टेबलस्पून पाउडर चीनी, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालना एकदम ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बैलेंस देता है मिठास को। तो यहाँ मेरे हेज़लनट्स भी ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे पल्स मेथड से। थोड़ा थोड़ा मैं इसे चलाकर इसे मैं पीस रही हूँ और बीच में हम इसे हिला लेंगे क्योंकि ये जार में चिपक जाते हैं साइड में। ये देखिए, बस यूं ही 2-3 बार हम इसे हिलाकर इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट रेडी है। अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे आधी चीनी ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, फिर बाकी की आधी ऐड करके एकदम फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा नटेला का फ्लेवर आता है, एकदम मार्केट जैसा ये नटेला बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स एक बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मेल्टेड चॉकलेट और इसे भी हम बहुत अच्छे से स्मूथ पेस्ट होने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे, एकदम मिक्स हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए, हमारा बहुत ही यमी चॉकलेटी नटेला रेडी है, बिल्कुल मार्केट जैसा। इसका टेस्ट और टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप इसे स्टोर कर सकते हैं 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पर, या फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लें तो 2 महीने तक इसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसे ग्लास जार में ही स्टोर करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। टेक केयर, गुड बाय।